भाई पहुंच गया हूँ मैं अभी कर्णप्रयाग में। 3 बजे निकले थे चौपटा विलेज से, ट्रैकिंग करके नीचे आ गए थे। 3 बजे बाइक लेके निकल गया था, वहाँ पे खाना खा लिया था और फिर निकले थे वहाँ से। निकलने के बाद सबसे पहले नंदप्रयाग में रुका था, उसके बाद कर्णप्रयाग में। नंदप्रयाग में जो मेरे दूसरे भी फ्रेंड्स थे जो ट्रैकिंग में दोस्त बन गए थे अच्छे, देहरादून से थे, वो लोग चले गए जोशी मठ के लिए और मैं आ गया भाई कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में मैं रुका हुआ हूँ ये होटल में जिसका नाम है मयूरी टूरिस्ट लॉज, और इसका किराया पर डे का 400 रुपीज़। एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। रूम में अंदर एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड पर 2 चेयर्स हैं, एक डबल बेड, यहाँ पे वॉश बेसिन मिरर और ये वॉशरूम, और इसमें गीजर भी लगा हुआ है। गीजर की वजह से इन्होंने 100 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज किया, अदरवाइज जिसका चार्ज था 400 पर डे। और इस लॉज की खास बात यह है कि इसके जस्ट सामने यहाँ पे अभी अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा, पिंडर रिवर बहती है। कल मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे व्यू आएंगे। तो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कल सुबह मिलते हैं नए दूसरे वीडियो में। The next day. मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज उत्तराखंड सफरनामा का छठा दिन है और मैं रुका हुआ हूँ कर्णप्रयाग में। कल रात को यहाँ पे आ गया था, मयूरी लॉज में स्टे किया हुआ है। जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, देखिए ये बहरे नीचे नदी। आज का प्लान ऐसा है कि मुझे भी जाना है यहाँ से ऋषिकेश, पर उससे पहले मैंने गूगल करके थोड़ा कर्णप्रयाग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। तो यहाँ पे संगम में आगे अलकनंदा और पिंडा रिवर का, तो वो जाके देखते हैं, थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से नाश्ता करके ही निकलूँगा। और ऋषिकेश यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, गूगल के हिसाब से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन आराम से इन्जॉय करते जाऊँगा तो 7 से 8 घंटे में पहुँचाऊँगा। ये जो मयूरी लॉज है इसका लोकेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अभी मैं आया हूँ कर्णप्रयाग के संगम घाट पे, जहाँ पे पिंडार और अलकनंदा दोनों नदी का संगम होता है। ये जो नदी बह रही है अलकनंदा, जो हमको देवप्रयाग में भी मिली थी, और आगे से जो आ रही है ब्लू कलर सा पानी दिख रहा होगा वो पिंडार रिवर है, जो पिंडार ग्लेशियर में से बहती है। और ये इसका संगम स्थल है, आगे जाके यही पूरी गंगा के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग के आगे। Thank you.